जी तुम क्या कह रहे थे कि राजगुरु जी सच में जी? हटिए जरा हटिए। आप में से कौन बता सकता है कि राजगुरु आखिरी बार कहाँ दिखे थे? वो कहाँ से गायब हुए? वो उस तरफ। बिंदल त्रिपाठी अंदर देखो। साहब अंदर जाने की क्या जरूरत है? मतलब वो तो यही है ना। कहा? ये है ना राजगुरु। भगवान काल भैरव का श्राप लगा है ना इनको, राजगुरु कुत्ता बन गए हैं। बिंदल बकवास करना कब बंद करोगे तुम? ये एक खेल है जो कोई खेल रहा है, और सब कौन कर रहा है ये खोजना है हमें। आपको खोजने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर जी। हमारे पास भैरवी जी है ना, ये भगवान की बेटी है, इनके अंदर दिव्य शक्ति है। इन्होंने तो आपको इंसान बनाया था, और ये राजगुरु को भी इंसान बना देंगी, है ना भैरवी जी? आपकी ऊपर बात हुई, क्या जवाब है भगवान जी का? ये कुत्ता राजगुरु जी नहीं है। ये तो भगवान का भेजा हुआ दूत है जो हमें ये बताएगा कि राजगुरु जी कहाँ है। भगवान ने राजगुरु जी को कोई दंड नहीं दिया है। अगर उन्हें दंड नहीं मिला तो राजगुरु जी गए कहाँ? अभी पता चल जाएगा। ये हमें राजगुरु जी के पास लेकर जाएगा। राजगुरु जी, राजगुरु जी आंखें खोलिए, शरद पानी लेकर आओ। राजगुरु जी आंखें खोलिए। संभाल के राजगुरु जी, क्या हो गया था आपको? यहाँ कैसे आया? कुछ याद नहीं आ रहा मैं यहाँ। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वहां बहुत तेज रोशनी थी, उसके बाद मुझे बहुत तेज चक्कर आया, फिर कुछ याद नहीं। जय काल भैरव। इंस्पेक्टर साहब, आपको भी अपना जवाब मिल गया होगा? हाँ जी मिल गया। ये कुत्ता राजगुरु के कपड़े सूंघ कर उन्हें ढूंढता हुआ यहां तक पहुंचा, और असली सवाल यह है कि
ये कुत्ता इनके कमरे के अंदर पहुंचा कैसे? ये ना तो इनका घर का कुत्ता है और ना ही इसे किसी ने आते जाते देखा है। फिर ये इनके कमरे में, मुझे पता था आप विश्वास नहीं करेंगे। इस कुत्ते को भगवान ने यहाँ भेजा ताकि हम सही समय पर राजगुरु जी तक पहुंच सके। आपको अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अर्चना से पूछ लीजिए। उसको भी आपकी तरह भगवान लेकर गए थे और भगवान ही वापस लेकर आए। भगवान इनसे कुछ कहने के लिए इन्हें ले गए थे। वो इनसे क्रोधित नहीं है, वो तो खुश है कि राजगुरु जी मेरा कन्यादान कर रहे हैं। बड़े युवराज, अब मेरी समझ में आ रहा है कि कनकगढ़ और उसके गांव, रियासत और राज परिवार अब तक श्रापित क्यों है। क्योंकि यहाँ पर हर पल भगवान को अपना होना साबित करना पड़ता है। यहाँ के लोगों ने सच्चे मन से विश्वास किया होता तो ये श्राप 150 साल लंबा खिंचता नहीं। चलिए राजगुरु जी, हल्दी की रस्म होनी। चलिए युवराज। एक बात तो पक्की आर्ची, इस बार भैरवी को कुछ भी नहीं पता था कि राजगुरु कहां पर है। पता नहीं कैसे वो कुत्ता उसे राजगुरु के पास ले गया। सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। वो लड़की अपनी आंखों से लोगों को सम्मोहित करती है। उसने वीर के साथ भी वही किया, इसलिए वीर उसके कमरे में हार लेने के लिए गया और उसने मेरे ड्रेस पे लगाया, और आज भी उसने वही किया है उस कुत्ते के साथ। उस कुत्ते को सम्मोहित किया इसीलिए वो राजगुरु के कपड़े सूंघ रहा था और हमें राजगुरु तक लेकर गया। यार, उसने ये सब कैसे किया ना, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका असर ये हुआ है कि हम तीनों एक बार फिर फेल हो गए उसे लोगों के सामने इंसान साबित करने में। ये सोचो कि आगे क्या करेंगे, कल शादी है उसकी वीर के साथ, कब तक रोक पाएंगे शादी को। मुझे तो लगता है आर्ची, तुझे ना जाके वीर को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि तू कैसे बची थी और तू भैरवी के बारे में क्या सोचती। लौट के बुद्धू घर को आए। बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने घर आने में, पर मैंने भी हल्दी की रस्म रोक के रखी थी। मैंने वीर से कह दिया कि जब तक अर्चना उर्फ आर्ची उसकी खास दोस्त नहीं आती, मैं हल्दी की रस्म शुरू नहीं करूंगी। अब चलो रस्म शुरू करते हैं। एक और बात, बात नहीं, चेतावनी, आखिरी चेतावनी। बार बार मना करने के बाद भी तुमने मुझ पर, यानी कि स्वयं भगवान पर शक किया, उनका इम्तिहान लिया। अगली बार वो तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। अगली बार सीधा प्रकोप की आग बरसेगी और उसमें तुम और तुम्हारी चिंटू पिंटू भी चलेंगे। अर्चना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये राज परिवार श्रापित है और जो भी इस परिवार से जुड़ता है उस श्राप का असर उस पर भी पड़ता है। पर भगवान तुम्हें बचाना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे भेजा है ताकि तुम्हारी शादी वीर से ना हो, पर तुम हो कि उनके फैसले का सम्मान करने के बजाय उन्हें चुनौती दिए जा रही है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो जो हो रहा है उसे चुपचाप देखती रहो या फिर यहां से चली जाओ।
वीडियो शूट करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो मैंने भी एक वीडियो शूट किया है। अब तुम भगवान की भाषा तो समझती नहीं हो, इसलिए तुम्हारी भाषा में समझाती हूँ। तो मैंने भी अपने कपड़ों में एक कैमरा छुपा लिया था, उसका वीडियो देखोगी? अगर तुम ये कहोगी कि ये कुत्ता राजगुरु है और भगवान किसी ना किसी को दंड देगा तभी राजगुरु वापस आएंगे, तो मैं चुटकी में यहाँ पर राजगुरु को लाके खड़ा कर दूंगी। मैं चाहूं तो ये वीडियो वीर को दिखा सकती हूँ, फिर क्या होगा अर्चना? भगवान के खिलाफ जाने के लिए वीर तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम्हें सजा देगा, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। पर मैं ये वीडियो वीर को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम्हें एक और मौका मिले। लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आई ना, सब कुछ तुम्हारे हाथों में। अब चलो हल्दी की रस्म शुरू करनी है, चल।